नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट ऑफ लाइफ है। मैं आपके साथ रोहित। आज की इस वीडियो में जानेंगे अगर आपको लंग्स टीबी यानी कि फेफड़ों की टीबी, तो इसमें आपको सांस लेने में दिक्कत क्यों होती है और इसका इलाज क्या है। मैंने इसे जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आमतौर पर देखा जाए जो टीबी की बीमारी होती है वो ज़्यादातर केस में लंग्स में ही होती है यानी कि फेफड़ों में ही होती है। 70% केसेस में आपको ये सुनने को मिलेगा जो टीबी की बीमारी होती है वो पल्मोनरी होती है यानी कि चेस्ट की होती है। बहुत ही रेयर केस में मैं कहूँगा 30% केसेस में जो टीबी की बीमारी होती है बाकी ऑर्गन में होती है, जैसे स्पाइन में हो गई, ब्रेन में हो गई, आपकी फूड पाइप में हो गई, आपकी हड्डी में हो गई, तो प्लूरल एफ्यूजन टीबी हो गई। लेकिन ज़्यादातर केस में जो टीबी की बीमारी होती है लंग्स की ही होती है। तो जितने भी लंग्स के पेशेंट जिनको टीबी की बीमारी, उनका एक सवाल था कि उनको सांस लेने में दिक्कत आ रही है। अब दिक्कत की अगर बात की जाए, जैसे कि आपको घुटन महसूस होगी, आप एक लंबी सांस नहीं खींच पाओगे। जब आप लंबी सांस खींचोगे तो आपको ऐसे लगेगा आपके फेफड़ों में जो एयर ज़्यादा टिक नहीं रही है। रात को जो है एकदम से आपकी आँख खुलेगी, आपको लगेगा कि सांसें जो है अटक रही है। तो इस तरह की प्रॉब्लम आपको जो वो अक्सर होती है जब आपको लंग्स की टीबी है और आपका इसका जो ट्रीटमेंट चल रहा है। चलिए जानते हैं कि लंग्स टीबी में आपको सांस लेने में दिक्कत क्यों होती है। देखिए, होता है जब आपको लंग्स टीबी होती है तो जो टीबी का बैक्टीरिया और जिस भी लंग्स में आपको कैविटी हुई है, तो जब कैविटी होती है तो बेसिकली जो टीबी का बैक्टीरिया होता है जिसे हम माइक्रो बैक्टीरियम कहते हैं, वो क्या करता है उस पर्टिकुलर स्पॉट पे जहाँ पे कैविटी हुई है वहाँ के टिश्यू को डैमेज कर देता है। तो ये आपको एक्सरे से पता चलेगा। आमतौर पर एक नॉर्मल एक्सरे एकदम ब्लैक होता है। अगर कोई हेल्दी इंसान अपना एक्सरे कराएगा चेस्ट का तो उसका एक्सरे एकदम ब्लैक आएगा। लेकिन अगर आपको टीबी की बीमारी है, अगर आपको लंग्स में कैविटी हुई है टीबी के बैक्टीरिया के चलते, तो आपका वो जो लंग्स है उसमें वाइट वाइट स्पॉट बन जाएंगे। तो जैसे आप ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, जो ये स्कार है या जो कैविटी है ये तो रिपेयर होना शुरू हो जाती है, जो घाव है ये तो भरना शुरू हो जाता है, लेकिन जो टिश्यू डैमेज हुआ है उसकी जगह पर जो नया टिश्यू आता है वो इलास्टिक नेचर का नहीं होता है। देखिए, हम लोग के जो लंग्स होते हैं वो इलास्टिक नेचर के होते हैं। जैसे कि हम जब सांस लेते हैं तो हम लोग का जो फेफड़ा होता है फूल जाता है, और जैसे हम लोग सांस छोड़ते हैं तो वो फिर से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ये नेचुरल प्रोसेस है, ये हर समय होता रहता है। तो जब आपको टीबी की बीमारी हो जाती है जहाँ पे घाव हो जाता है, जब आप उसका ट्रीटमेंट करते हैं तो वहाँ पे जो नई टिश्यू आती है वो इलास्टिक नेचर की नहीं होती है। तो जिससे क्या होता है कि जब आप सांस को अंदर खींचते हैं तो आपका जो फेफड़ा है वो पूरी तरह से फूलता नहीं है यानी कि एक्सपैंड नहीं होता, जिसके चलते आपको सांस लेने में दिक्कत आती है। देखिए, सही मायने में देखा जाए आपके फेफड़ों को एक्सपैंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर फेफड़ा एक्सपैंड नहीं करेगा तो उसमें बहुत ज़्यादा एयर नहीं टिकेगी। और जब हम लोग एयर को बाहर खींचते हैं तो हम लोग के जो भी बैक्टीरिया, अगर हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में या अगर हम लोग के नाक के जो नॉस्ट्रिल है उसमें कोई बैक्टीरिया वायरस है, तो वो फोर्स से जो प्रेशर बनता है, हम लोग बाहर से एयर छोड़ते हैं तो उससे वो बाहर आ जाते हैं। तो अगर आपके फेफड़े बहुत ज़्यादा एक्सपैंड नहीं करेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा एयर नहीं टिकेगी, तो आप पर्याप्त मात्रा में एयर को बाहर नहीं छोड़ पाएंगे, जिससे वो बैक्टीरिया अंदर ही रह जाता है, और कभी कदार ये जो बैक्टीरिया अंदर रह जाता है वो इन्फेक्शन भी कर देता है। तो इस चीज़ का अगर आपको ध्यान रखना है कि अगर आप में टीबी के लक्षण दिख रहे हैं तो उसको आप जल्दी से जल्दी डायग्नोस करा के उसका इलाज आप शुरू कर देना। कुछ मरीज क्या कहते हैं 4-5 महीने तक बैठे रहते हैं, उसके बाद जाके इलाज करते, तो इससे होता ये जो आपकी कैविटी है वो बढ़ती चली जाती है। और कुछ पेशेंट में ये भी देखा गया है जो लंग्स का कुछ पार्ट जो होता है पूरी तरह से डैमेज हो जाता है, जिसके चलते उनको ज़िंदगी भर सांस लेने में दिक्कत होती। तो इस तरह की दिक्कत ना है तो तुरंत अगर आपको टीबी से जुड़े लक्षण महसूस होते हैं, अगर आपको 1 महीने से ज़्यादा खांसी हो रही है तो ये बहुत ही कॉमन लक्षण होता है, तो तुरंत जाके डायग्नोस करवाइए। अगर नहीं निकलती टीबी तो ये तो और भी अच्छी बात है, लेकिन एक तरह से आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कि आपको टीबी है या नहीं है, जिसके बाद आप इलाज कर सकते हैं और आपके इससे लंग्स में कोई भी डैमेज नहीं होगा। चलिए बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो मैंने इस पर बहुत सारी रिसर्च की, रिसर्च करने के बाद जो चीज़ें निकल गया है अब मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। देखिए, डॉक्टर का कहना है कि अगर आपको लंग्स टीबी, अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है और अगर आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो ऐसे इंसान को सुबह जल्दी उठना चाहिए और उठ के उसे ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना चाहिए। तो ब्रीथिंग एक्सरसाइज में कहूँगा कि आपको एक लंबी सांस लेनी है, उसको 15 से 20 सेकंड तक आपको रोकना है और उसके बाद उस सांस को बाहर छोड़ना है धीमे धीमे। तो ये एक्सरसाइज आपको रोज़ करना है सुबह, और 15 से 20 मिनट तक आप इसे करिएगा। साथ ही साथ एक प्राणायाम होता है जिसे हम कहते हैं अनुलोम विलोम, इसे भी आप कर सकते हैं, जहाँ पर आपको एक नथुने से सांस लेनी होती है और दूसरे से छोड़ना होता है। रोज़ ये
दोनों एक्सरसाइज को आप 15 से 20 मिनट आपको करना है, तो इससे जो सांस संबंधी आपको प्रॉब्लम हो रही है वो धीमे धीमे पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। देखिए इस तरह की जो एक्सरसाइज करने से ये होता है जो आपके फेफड़े हैं उसमें एक एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है और उससे आपके जो फेफड़े पूरी तरह से एक्सपैंड होते हैं। जैसे कि मैं पहले ही कह चुका हूँ, जैसे आपकी लंग्स में कैविटी होती है, टिश्यू डैमेज होते हैं, उसकी जगह जो नई टिश्यू आती है वो इलास्टिक नहीं होती, तो उससे क्या होता है कि आपके जो फेफड़े पूरी तरह से एक्सपैंड नहीं हो पाते। तो ऐसे में अगर आप इस तरह की ब्रीथिंग एक्सरसाइज करेंगे तो आपके प्रेशर जो फेफड़े हैं उसमें ज़बरदस्ती प्रेशर पड़ेगा और ज़बरदस्ती प्रेशर पड़ने पर आपके जो फेफड़े हैं वो पूरी तरह से एक्सपैंड करेंगे और एक्सपैंड करेंगे उसमें पर्याप्त मात्रा की एयर भरेगी और उससे क्या होगा जो आपकी सांस संबंधी प्रॉब्लम है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। देखिए अगर आपको लंग्स टीबी है, अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो इसे आप अनदेखा बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि इससे और भी कई तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि अगर आप काम करते हैं बहुत ज़्यादा, जो लेबर वाला वर्क करते हैं उसमें भी आप देखेंगे कि अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम हो रही, सांस लेने में दिक्कत हो रही टीबी के चलते, तो आप बहुत जल्दी थक जाएंगे। और कुछ केसेस में ये भी देखा गया जिन लोगों का लंग्स बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, जिनका ट्रीटमेंट बहुत देर से होता है, तो उनके केस में देखा गया कि काम करते करते वो इस तरह से उनकी सांस फूलती है कि उस पेशेंट की मौत भी हो जाती, वो भी तब जब उसकी टीबी पूरी तरह से ठीक हो जाती। तो बेसिकली ये कॉम्प्लिकेशंस होता है जो हो जाते हैं कुछ पेशेंट में, वो भी तब जब उनकी टीबी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। तो ये चीज़ ना हो तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप में अगर टीबी का लक्षण दिख रहा है आप उसे टाइम पर डायग्नोज करवा लीजिए, टाइम पर ट्रीटमेंट करवा लीजिए, ताकि कोई भी कॉम्प्लिकेशन